आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत अनंत बधाई। तो रक्षाबंधन एक बहुत सुंदर त्यौहार है। तो एक बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है कि जब बलि महाराज के यहाँ भगवान वामन रूप में गए और बलि महाराज ने जब आत्मनिवेदन किया तो भगवान ने कहा कि हे बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो बलि महाराज ने कहा कि प्रभु, अगर आप मेरे यहाँ रुक जाएँ तो इससे बड़ा वरदान क्या ही होगा। तो भगवान उनके यहाँ दरबान के रूप में रुक गए। अब माता महालक्ष्मी ने सोचा कि प्रभु तो वहाँ है, प्रभु को यहाँ तो लाना पड़ेगा, संसार का कार्यभार कौन संभालेगा। तो माता महालक्ष्मी ने नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि हे माँ, आप जाकर बलि महाराज को रक्षा सूत्र बांध दीजिए, रक्षा सूत्र बांधने से वे आपके भाई बन जाएंगे और उसके बाद फिर आप उन्हें जो है वरदान के रूप में उनसे भगवान नारायण को मांग लीजिएगा। तो माता महालक्ष्मी श्रावण मास में पूर्णिमा के ही दिन बलि महाराज के यहाँ पहुँची और बलि महाराज को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि आज से आप मेरे भाई हैं, तो आज से आप मेरे भाई हुए और अब आप मेरी रक्षा कीजिएगा। तो बलि महाराज ने कहा कि हे बहना, मांगो क्या मांगती हो, आज मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करूंगा। तो माता महालक्ष्मी ने कहा कि तो सब नारायण की बहुत कृपा है, सब कुछ ही है, बस एक चीज़ चाहिए कि नारायण को मुझे वापस सौंप दीजिए। तब बलि महाराज ने नारायण भगवान को माता महालक्ष्मी के पास सौंप दिया और तब से जो है रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार चला आ रहा है। रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्यौहार है भाई। अगर किसी व्यक्ति की बहन नहीं है या भाई नहीं है तो आप अपने गुरुजनों भी रक्षा सूत्र राखी बांध सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सबके मन में चल रही है कि राखी मनाए कब, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। तो 2022 में आपको 12 अगस्त को राखी मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हर त्यौहार में ग्रह, नक्षत्र, तिथि आदि का विचार किया जाता है और रक्षाबंधन के दिन हमेशा भद्रा तिथि का विचार करके ही राखी को बांधा जाता है। भद्रा तिथि के दिन राखी नहीं बांधी जाती और 11 अगस्त को भद्रा तिथि है, इसलिए रक्षाबंधन आपको 12 अगस्त को मनाना चाहिए। ऐसी एक कथा पुराणों में मिलती है कि एक बार रावण की बहन ने उसे भद्रा के दिन ही जो है राखी बांध दी थी, क्योंकि रावण ने सोचा कि मैं तो शनिदेव को जीत चुका हूँ तो मुझे ग्रह नक्षत्र क्या ही मेरा बिगाड़ेंगे। लेकिन एक साल बाद रावण का पूरा साम्राज्य लुट गया, रावण मर गया। रावण की मृत्यु में से एक कारण ये भी बना, इसीलिए भद्रा तिथि के दिन कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। 12 अगस्त को आप खूब प्रेम से राखी बनाइए। हर बहन को उस वक्त राखी बांधते वक्त यही विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार बलि महाराज को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी थी, मैं भी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार हम राखी बांधे। आजकल बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, भाई भाई को राखी क्यों नहीं बांध सकता है। तो देखिए, जो चीज़ें शास्त्रों में बताई हैं हमें उनके अनुसार चलना है। अपने अनुसार कोई भी कार्य मत कीजिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। शास्त्रों में हर चीज़ का एक विधान है, एक विधि है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए।